कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा मतलब ओवर एक्टिंग की औलाद पूरा गेम बिगाड़ देगा ये। मैंने पहले ही बोला था ये फटाका फटेगा नहीं फूटेगा। मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वंस मोर हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? जो पट्टी मेरे दिल में है ना मुझे बोलने दीजिए तोते की तरह। चल बस बुलाएगा क्या? वैसे तो ये लोग झूठ बोलने में माहिर है लेकिन इस दफा झूठवा इतना जबरदस्त है ना कि जबान भी लड़खड़ा गया, जबान भी कह दिया बस कर भैये हमसे ना हो पाई। क्या बोले मैं समझा नहीं। एटीट्यूड ही नहीं है। क्या बोला? एटीट्यूड ही नहीं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता हूँ। तो इसी पर डॉक्टर पल्लवी पाटिल लिखते हैं अक्सर जब लोग झूठ बोलते हैं तो जबान लड़खड़ा जाती है। सही पकड़े हैं। तो श्रीनिवास नामक ट्विटर जर अमित शाह के बातों को कोट करते हुए लिखते हैं हमारी सरकार का मीडिया के कामों में कोई दबाव नहीं है अमित शाह, और ये बोलते बोलते तानाशाह की जबान लड़खड़ा गई। अच्छा बात नहीं है। तो डॉक्टर रागनी ने आज तक खुबाई लिखी है, लिखते हैं झूठ इतना भारी भरकम था कि जबान भी लड़खड़ा गया। ओह माय गॉड, मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ।